नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने स्तर से राजनीतिक दल के लोग, उनके नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के बीच देखा जा रहा है या माना जा रहा है, और उनकी लड़ाई विपक्षी महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से होगी। अब इसी बीच में एक तीसरे मोर्चे का शिगुफा फिर से छोड़ दिया गया है। अब हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले आपको तीसरे मोर्चे के बारे में बता दें। देश में जब जब कहीं भी चुनाव होने हुए हैं, या तो राष्ट्रीय स्तर पर या किसी क्षेत्रीय स्तर पर, तो तीसरे मोर्चे का उदय और तीसरे मोर्चे की चर्चा लगातार होती रही है। कभी कभी तो यह तीसरा मोर्चा भानुमति का कुनबा बनकर रह जाता है, पर कभी कभी यह शानदार सफलता भी दिखा देता है। हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो आज से ठीक 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि वो तीसरे मोर्चे का एक रूप बनाकर दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को चित कर देगी, वो भी लगातार 2 चुनाव में। तीसरे मोर्चे ने दिल्ली में सरकार बनाई। और अब हम जब चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी तीसरे मोर्चे का गठन हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। और इस तीसरे मोर्चे ने लगभग लगभग 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि वो लोग कोई बहुत कमाल तो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस तीसरे मोर्चे ने महागठबंधन को लाभ बहुत पहुंचाया था, क्योंकि इनके अधिकांश उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर से बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है, और ये कवायद कोई छोटा मोटा या मझोले कद का नेता नहीं, बल्कि कभी देश के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर चर्चित रहे यशवंत सिन्हा जैसे प्रतिष्ठित शख्सियत कर रही है। यशवंत सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक दौर में वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। आज वो बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर रहे हैं, और उनके साथ बिहार के कई बड़े नामचीन नेता भी शामिल हैं, जिनमें नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व सांसद प्रोफेसर अरुण कुमार, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। वैसे तो आज की तारीख में इन सभी नेताओं की कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन इनकी नाम, प्रतिष्ठा, शोहरत और संगठन खड़ा करने की जो क्षमता है, वो बिहार में कोई ना कोई आश्चर्यजनक नतीजे आपको दिखा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी 243 सीटों पर इनके उम्मीदवार प्रभावशाली होंगे, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जिसकी जीत होगी या जिसकी हार होगी, उसमें ये लोग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि अभी जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, इन दोनों को लेकर के भी काफी पशुपेश चल रहा है दोनों गठबंधनों में। महागठबंधन के लिए जीतन राम मांझी परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो एनडीए के लिए चिराग पासवान। उधर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, इसने भी बिहार में एंट्री तो मार ही ली है किशनगंज चुनाव जीत करके, और ये इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ इनका कहना है कि हम समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और एमआईएम के साथ साथ ये तीसरा मोर्चा अगर खड़ा होता है, तो यकीन मानिए ये बिहार विधानसभा के चुनाव में एक नया गणित ही पैदा करके रख देगा। और इसके नतीजे क्या आएंगे, ये अच्छे अच्छे चुनावी पंडित भी नहीं बता पाएंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए तीसरे मोर्चे के स्वरूप का। हालांकि यशवंत सिन्हा ने तीसरे मोर्चे की तैयारियां बहुत ही तेजी के साथ शुरू कर दी हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमें भविष्य का इंतजार करना होगा।